दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं एक तीर्थ स्थल पे, जिसका नाम है करीला धाम मंदिर। तो करीला धाम मंदिर जाने वाले हैं, जो माँ जानकी का मंदिर है और सीता माता का मंदिर है। तो बिना वक्त गवाए हुए हम चलते हैं सीधे करीला। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। भाइयों, अब मैं करीला आ गया हूँ और मेरे पीछे बहुत सारी दुकान है, तो मैं अभी इधर से निकल के जा रहा हूँ। इसके पीछे माता जानकी का मंदिर है, तो मंदिर में दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं मंदिर को। यह मंदिर का सबसे मुख्य प्रवेश दरबार है, जो अभी बंद है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं 14 पूने को, तो यह दरवाजा खोल दिया जाता है। हम जा रहे हैं दूसरे वाले रास्ते से मंदिर के अंदर, यह हम लोग जा रहे हैं मंदिर के परिक्रमा वाले रास्ते से, जो कि पीछे की साइड से है। के लीला करीला की, लीला करीला की जानत है संसार। के लीला करीला की जानत है संसार। पीछे वाले रास्ते से माता जानकी की परिक्रमा की जाती है, तो अभी हम परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं और परिक्रमा करते हुए मंदिर में एंट्री लेंगे और उधर जाके माता जानकी के दर्शन करेंगे। आप इनको देख रहे होंगे, आप ये बंधे हुए, ये बांधे जाते हैं मन्नतों को। कई लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं या मन्नतों के लिए इनको यहाँ पर बांध दिया जाता है, और मन्नत पूरी हो जाने पर लोग इनको खोल देते हैं। तो इसलिए तो ये अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, परिक्रमा मेरी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर से जाने वाला हूँ मैं माता जानकी के मंदिर में। और अगर बहुत सारे भक्त आते हैं, तो बहुत सारे भक्त इस रास्ते से आते हैं, जब रंग पंचमी का मेला का आयोजन किया जाता है, तो यहाँ से बहुत सारे भक्त आते हैं और परिक्रमाओं को पूरी करते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट इस वाले रास्ते से ऊपर आते हैं। तो अभी हम अंदर जाने दर्शन करने के लिए अंदर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारी रेलिंग बनी हुई है, ये रेलिंग इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब यहाँ पर मेला लगता है तो बहुत सारे भक्तों की भीड़ इकट्ठी होती है, तो मेले में लोगों को आने जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए रेलिंगों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी सुविधा है, तो इनके द्वारा जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे आकर, क्योंकि आज मुझे माता जानकी के दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं अंदर जाता हूँ और दर्शन करता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा मिली है मुझे देखने को और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। चलो दोस्तों, मैं मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुका हूँ और इसके अंदर जाकर मैं दर्शन करता हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर गणपति जी महाराज, यहाँ पर राधा कृष्ण जी हैं, और ये मंदिर है, यहाँ पर हमारे हनुमान जी महाराज भी बैठे हुए हैं, जिसके दर्शन कर लेता हूँ मैं। और ये वाला मंदिर है माता जानकी का मंदिर, तो यहाँ पर वाल्मीकि जी और लव कुश और जानकी माता विराजमान है। पहले दोस्तों, मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूं और माता जी के दर्शन कर रहा हूं, तो ये रहे जानकी माँ का दरबार, तो आप भी दर्शन कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये महाराज जी से थोड़ी यहाँ के इतिहास के बारे में
कुछ जानने की कोशिश करता हूँ मैं, और महाराज जी से थोड़ी बात करता हूँ, क्योंकि महाराज जी ही बता सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था और किस वजह से यहाँ पर माता जानकी आई थी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगती है। तो उन महाराज जी से पूछने की कोशिश करते हैं और महाराज जी से पूछ के आप सबको बताते हैं। त्रेता का इतिहास है, यहाँ श्री रामचंद्र भगवान जब रावण को धराशाही करके घर वापस आए थे, जब लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी के लिए छोड़ी गई थी, तो इसी वाल्मीकि के आश्रम पर आकर के उन्होंने गुजारा किया, तो यहीं उनका लवकुश का जन्म हुआ। तो उसी समय से पहले नृत्य का आती थी अप्सराएं नाचने के लिए, अब आजकल ये आ रही हैं, और हर रंग पंचमी के लिए मेला भरा आता है, तो 35-40 पब्लिक के आगे पीछे हो जाती है, और जो जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो राई बधाई लेकर के कथा भंडारी जो भी कुछ करना चाहे सो कर जाता है, और चुनरी बांध जाता है, और जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं वो भी हाथी लगा जाता है, बाई लगा जाती है हाथी, और उनकी कामना हो जाती है, वो जो कुछ दान पुण्य है सो कर जाती है सब। दोस्तों मुझे महाराज जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि यही है लवकुश की जन्मभूमि और यहीं पर सीता माता को करीला में छोड़ दिया गया था भगवान राम के द्वारा, जब उन्होंने सीता माता को त्यागा था तो इसी जंगल में छोड़ दिया था और यहीं पर करीला में वो आ गई थी, जहाँ पर वाल्मीकि महाराज के द्वारा उनको आश्रम में रख लिया गया था। इसलिए यहाँ पर एक मंदिर है जो करीला मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिरों में से ये एक विख्यात मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी नचनारी नृत्य करती रहती हैं और यहाँ पर रंग पंचमी के मेले पर ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त अभी भी आए हुए हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा आनंद आया। चलो भाइयों अब यहाँ से चलते हैं, महाराज जी ने जैसे हमें बताया था कि यहाँ पर नृत्य होता रहता है, तो अब मुझे यहाँ सामने दिख रहा है नृत्य होते हुए, तो हम यहाँ से चलते हैं। गलियारे लगे री तुम बिन सोने, गलियारे गलियारे लगे री तुम बिन सोने, गलियारे गलियारे लगे री तुम बिन सोने, गलियारे। करीला की कढ़ाई सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर आने के बाद आने वाले हर कोई यहाँ से कढ़ाई ले जाता है और यहाँ की कढ़ाई में जो भी तेल का सामान बनाता है वो तेल बहुत ही कम खपत होता है, तो इस वजह से यहाँ की कढ़ाई ले जाती हैं। मेरी मम्मी भी आई थी तो मेरी मम्मी भी यहाँ से कढ़ाई लेके गई हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर देख रही होंगी कितनी भारी मात्राओं में यहाँ पर कढ़ाई रखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कढ़ाई का सामान मिलता है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी लोहे की बनी हुई वस्तुओं का मिलती रहती हैं। दोस्तों अब हमने करीला को अच्छी तरीके से घूम लिया है और यहाँ पर नृत्य भी देख लिया है और माता जानकी के दर्शन भी कर लिए हैं, और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मुझे पता चला है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक बीजासन माता का स्थान है, जो कि बहुत अच्छा स्थान है, घूमने लायक स्थान है, यहाँ पर मेला भी भरते हैं दिव्य, तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये हमने गाड़ी निकाल ली है और आज हम पहली बार उस स्थान पर जाने वाले हैं और वहाँ पर चलकर आपको दर्शन कराएंगे और हम खुद दर्शन करके आएंगे, तो चलो चलते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। भाइयों हम बीजासन माता के दरबार में आ गए हैं, तो ये एक प्राचीन मंदिर है, पहले का मंदिर है, यहाँ पर मैं पहले से कभी आया नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पर आना हुआ, तो यहाँ पर एक मंदिर है और मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला था यहाँ पर एक बीजासन माता का
और श्री राम जी का और भोलेनाथ जी का यहाँ मंदिर है, तो मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। और यहाँ पर ये एक नदी है, इसका व्यू देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर बहुत शांत माहौल है बना हुआ है, तो यहाँ पर मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगा और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं तो करीला आते हैं तो बीजासन माता भी आइए और दर्शन कीजिए। और मुझे यहाँ की ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है बीजासन माता की, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो अभी यहाँ पर एक और मंदिर है, ये बालाजी महाराज का मंदिर है और देखने में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। दोस्तों मुझे करीला आकर बहुत अच्छा लगा और मैंने बीजासन माता के भी दर्शन कर लिए, तो यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।